हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इंडोर प्लांट के बारे में है कि अभी जैसे फरवरी मंथ है तो कौन से इंडोर प्लांट आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं और वो पूरा साल आपके पास भी रहें और साथ में कम केयर में भी चलें। तो इस तरह के ही प्लांट आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये सभी के सभी प्लांट मेरे पास हैं, ये पूरा साल रहते हैं, कम केयर में भी चलते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये फूलों वाला प्लांट, परमानेंट प्लांट है, इसको कमेलिया बोलते हैं। और इसके जो फूल हैं अभी फरवरी या मार्च में खिलते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, इसको ज्यादा धूप पसंद नहीं होता है। सेमी शेड एरिया में जा एक आधे घंटे की धूप में ये फ्लावरिंग करता है। और देखिए ये प्लांट आपको नर्सरी पर इन दिनों आसानी से मिल जाएगा क्योंकि अभी इसका फूलों का सीजन है। तो बहुत ही अच्छा ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है, देखिए परमानेंट प्लांट, बहुत ही खूबसूरत सा, जिसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं। तो वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सबके अलग अलग प्राइस भी होते हैं, मगर जो प्लांट है इसका 50 रुपये से स्टार्ट होके 100-150 या उससे भी आगे तक जाते हैं। जैसे अच्छी टाइप होगी उतने ही इनके प्राइस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला एक बेस्ट इंडोर प्लांट होता है जो एयर को भी प्योरीफाई करता है। और देखिए इस तरीके से आप इनको अपने इंडोर में भी सजा सकते हैं और साथ में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, केयर इनकी बहुत ही कम होती है। तो देखिए ये एक परमानेंट प्लांट है, इसको बोलते हैं पीस लिली। पीस लिली का जो फ्लावरिंग सीजन है फरवरी के बाद में मार्च से तक चाहे पल से इसकी फ्लावरिंग जो है आना शुरू हो जाती है। तो इस समय आप इसको नर्सरी से ले सकते हैं। मैंने देखिए अब जो लिया था, मुझे छोटा सा प्लांट 50 रुपये का मिला था, तो यही 50-100-150 तक इसके जो प्राइजें रहते हैं। तो आप छोटा सा प्लांट ले आइए तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए मेरा, मैंने भी एक प्लांट लगाया था तो अभी इसमें 3-4 प्लांट हो गए हैं। तो इस तरह का भी प्लांट आप ले सकते हैं, इंडोर में ये फ्लावरिंग देगा आपको। देखिए ये रिबन ग्रास है, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और ये जो है बहुत धूप में नहीं रखना होता है, इसको अच्छी ब्राइट लाइट में जब सुबह की एक आधे घंटे की धूप मिल जाए तो ये परमानेंट प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर जगह देखिए मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है और 50 या 60 रुपये का आपको नर्सरी पर मिल जाता है। इसकी जड़ों से ही इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही कम केयर में चलने वाला एक प्लांट है, इसको कॉर्न प्लांट या विक्टोरिया प्लांट जब पाम बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही स्लो ग्रो करता है। और अगर आपके पास इसका पुराना प्लांट है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप देखिए इसको ऊपर से कट करके इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और देखिए मैंने भी अपने एक प्लांट से 2 प्लांट बनाए हैं। तो ये भी जो प्लांट है आपको इस समय नर्सरी पर 50-60 या 70-80 रुपये का जो है मिल जाता है। परमानेंट प्लांट है, रहता है पूरा साल, कम केयर में चलता है। सिंगोनियम का जो प्लांट है आपको 40-50 से लेके 100 रुपये तक मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप होती हैं, जो आपको टाइप लेनी है मिल जाती है नर्सरी पर। तो ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होते हैं। डिवाइड करके आप इनके ढेरों प्लांट बना सकते हैं, सिर्फ आपने इनको एक बार नर्सरी से लाना होता है। तो ये स्टार्टिंग में बहुत बड़े गमले की जरूरत इनको नहीं होती है। और देखिए इतना खूबसूरत प्लांट, इसको आप छाया में रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। देखिए ये है एलोवेरा। एलोवेरा भी एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है। और देखिए मैंने ये प्लांट अपना इंडोर में ही रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से ये चांद चलता है जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहती है, धूप नहीं आती है, मगर फिर भी ये बहुत ही अच्छे से चलता है। तो एलोवेरा का भी प्लांट आप इस समय ले सकते हैं। देखिए एक प्लांट आप लगाएंगे तो कुछ महीनों के बाद में मल्टीप्लाई होके देखिए इस तरीके से 2-3 या 4 बन जाते हैं। तो अच्छे से चलता है इंडोर में, 40-50 रुपये का इसका प्लांट मिल जाएगा आपको नर्सरी पर। तो देखिए ये जूनीपर है, जूनीपर भी एक बहुत ही अच्छा और लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है जो साल भर हमारे गार्डन में रहता है, कम केयर में चलता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इस समय ले सकते हैं, 100 रुपये तक ये इसका छोटा प्लांट आपको मिल जाएगा। और इसको जब लाएं नर्सरी से तो वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए, इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है मगर कम भी नहीं देना है। इसके गमले में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए तो फिर ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। तो ड्रेसिना की कोई भी टाइप आप इस समय ले सकते हैं नर्सरी से, और 50-60 से लेके 70 रुपये तक ये मिल जाते हैं। परमानेंट प्लांट है अपने इंडोर गार्डन में, अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट प्लांट है जो बहुत ही कम केयर में चलता है और इसकी डिफरेंट टाइप भी मिलती हैं। तो और इसकी जड़ों से ही इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं और मल्टीप्लाई होता है और ये कटिंग से भी लग जाता है। तो देखिए ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट इंडोर प्लांट होता है जिसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप, बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट में रखेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और
अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं से कटिंग मिलती है, तो आप इस समय इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से प्लांट भी ले सकते हैं। 50-60 रुपए का प्लांट आपको छोटा प्लांट नर्सरी पर इसका मिल जाता है और ये पूरा साल रहता है और इसके बहुत ही कम केयर में ये चलता है। तो देखिए शेफलेरा को भी आप ले सकते हैं, इसकी टाल और ड्वार्फ दोनों वैरायटी आती है। अगर आप कटिंग से इसको ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे अभी स्प्रिंग सीजन है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी है और इस समय इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरी पर इसका जो प्लांट है 70-80 से लेके 100 रुपये तक मिल जाएगा। तो ये भी पूरा साल रहता है, बहुत ही कम केयर में चलता है। वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए, साल में 2 बार फर्टिलाइजर दे दीजिए, तो फिर और कोई इसकी ज़्यादा केयर नहीं है। गर्मियों में आप एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे सकते हैं, सर्दियों में भी वो भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। मनी प्लांट की इस समय आप कोई भी टाइप ले सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट होता है जो पूरा साल हमारे पास रहता है। सर्दी में थोड़ा सा जो है इसकी ग्रोथ स्लो होती है, मगर जैसे ही अभी स्प्रिंग सीजन आएगा या गर्मी आएगी तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। और इसको भी छाया में ही ग्रो करना होता है, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो। धूप इसको भी पसंद नहीं होती। आप इसको छोटे गमले में, बड़े गमले में, हैंगिंग बास्केट में, हर जगह ग्रो कर सकते हैं। इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और अच्छे से ये चलता है इंडोर में। तो स्पाइडर प्लांट भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, जिसको अच्छी ब्राइट लाइट में ग्रो करना होता है, धूप में इसको नहीं रखना होता है। तो इसको भी आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं, 30-40 या 50 रुपए तक ये मिल जाता है। इसका छोटा सा प्लांट आपको मिल जाएगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर इसकी जो रनर होते हैं बहुत सारे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। तो एक बार आप इसको नर्सरी से ले आइए तो फिर ये प्लांट आपको बहुत सारे प्लांट बना के देगा। कोई लो मेंटेनेंस पाम का प्लांट चाहते हैं आप, जो बहुत ही कम केयर में चले और आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करे, तो बैम्बू पाम को लगा सकते हैं। 100 रुपये तक नर्सरी पर ये मिल जाता है और ये ऐसा पाम का प्लांट है जिसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। इसको आप सुबह की एक आधे घंटे की धूप दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए, जहाँ इंडोर में भी रख सकते हैं जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। आप 1 या 2 बार साल में इसको फर्टिलाइजर दे दीजिए और इसकी कोई केयर नहीं होती है। तो देखिए क्रिसमस ट्री भी आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं। अभी जैसे स्प्रिंग सीजन आने वाला है तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। वैसे तो ये साल भर ग्रो करता है, कोई केयर नहीं मांगता है और अच्छे से चलता रहता है। इसको लेना चाहते हैं 100-150 रुपए का इसका छोटा प्लांट आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। देखिए मेरा ये प्लांट 4-5 साल पुराना है और इसकी हाइट भी 4 या 4.5 फीट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट होता है। वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए, गर्मियों में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दीजिए, सर्दियों में वो भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप एग्लोनिमा लेना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए और पानी कम दीजिए, अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए, धूप में नहीं रखना है, तो फिर ये कभी भी खराब नहीं होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है, सिर्फ पानी का ध्यान रखिए फिर ये कभी खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट, इंडोर प्लांट, जिनको आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।